हेलो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर राहगीरों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से यह गड्ढा जो है जानलेवा जो है यहाँ पर रूप धारण कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस कवरेज के अंदर जो है कुछ गटका भी यहाँ पर किसी प्राइवेट बंदे के द्वारा गिरा है, क्योंकि खड्डा जो है बहुत गहरा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि गहरा जो गड्ढा जो है रात को किस प्रकार से लोगों की जान लेने के लिए जो है काफ़ी यहाँ पर मतलब कि पूरा का पूरा काफ़ी है ये। तो इस समस्या को जो है बताने के लिए आप देख सकते हैं कि चुराही गाँव से यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा जो चुराही से जो बिलासपुर रोड है उसके ऊपर जो है गड्ढा स्थित है, और चुराही से जो गोपालमोचन का रोड है वहाँ पर भी जो है रोड बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। आने जाने वालों को, राहगीरों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि 7X का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आवाजाही के आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बचते बचाते हुए एक साइड से जो है लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर ये दिन का समय है, अगर यही समय रात का हो तो ये गड्ढा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जानकारी के अनुसार, सूत्रों के हवाले हमें यह खबर मिली कि यहाँ पर जो है एक मौत भी हो चुकी है पहले। तो मैं शासन प्रशासन को सचेत करना चाहूँगा कि यहाँ पर इनका जो है बिल्कुल उचित मुआयना किया जाए, और बाकी की हाल चाल हम यहाँ से पूछना चाहेंगे ना गाँव के लोग, क्योंकि आसपास के गाँव के जो लोग ये यहाँ पर मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, ये गड्ढा कब से है, क्या क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर? पिछले 2-3 साल से गड्ढा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब की बार तो निकलने का भी रास्ता यहाँ से बिल्कुल नहीं रहा है, और हर रोज़ यहाँ पर लोग चोटिल हो रहे हैं। हम दुकान है हमारी पास में ही, वहाँ से हर रोज़ उनको उठा रहे हैं और हॉस्पिटल में पहुँचा रहे हैं। हमने शासन प्रशासन को भी कई बार कह चुके हैं कि इसका समाधान किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कोई भी मदद यहाँ नहीं मिली। हमने अपनी तरफ से गटके की एक ट्रैली यहाँ पर झड़वाई थी, और उससे पहले भी हमने रोडे वगैरह इसमें भरवाए थे, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वो सारा का सारा फिर से निकल जाता है। यह गड्ढा कब, कितने दिन से है यहाँ पे? कम से कम 3 साल से है। पिछले साल तो एक बरसातों के दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरे ख्याल कोर्ट साइड का था वो, और उसको वो बेचारा ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो महिंद्रा पिक भी यहाँ पे गिरी थी उसका टायर फटा था, उसके बारे में किसको जानकारी है जी? वो बरसात वाले दिन की बात है। हाँ जी, कब की बात है? बरसात वाले दिन की, जब बरसात चली एक हफ्ता लगातार, तब आया तो वो पानी भर गया था यहाँ पर सब सारे में, बहुत से दिखे नहीं, वो खड्डा और रिम भी टूट गया उसका, टायर भी फट गया, वो तो इधरली साइड पड़ गई थी गड्डी, वो बहुत मुश्किल से बचे। बताया जा रहा है उसमें कुछ सवारियाँ भी थी, इसके बारे में? हाँ, सवारियाँ फुल औरतें भी थी, उसमें आदमी भी थे, बच गए जो। तो चुराही से जो कपालमोचन की साइड में जो है ये एक रास्ता जाता है, एक लिंक रोड है, यहाँ की भी जो है हालात जो है काफ़ी खस्ता पड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक मंदिर और एक माड़ी भी है, यहाँ पर जो है गोगा जहरवीर जी की यहाँ पर माड़ी है, यहाँ पर भी जो हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से बिल्कुल लुक जो है इसके ऊपर से उखड़ कर जो है बिल्कुल पूरी बजरी जो है ब्रिक उखड़ कर जो है बिल्कुल अंदर से जो है गटका आ चुका है। बरसातीय पानी में जो है यहाँ पर समस्याओं को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार से राहगीरों को जो है रात को आने जाने वालों को जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यदि बात देखें तो यहाँ से जो है यह रोड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और इस भाई का सामने जो है एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मकान भी है, यहाँ पर इस मकान की जो है जगह से जो है होकर यहाँ साइड से जो है राहगीर गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और राहगीरों को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिलासपुर से कपालमोचन की ओर जाने वाला बिल्कुल चौराही गांव के पास ही सड़क का ये हाल है। आज तो खैर 2-4 दिन बरसात नहीं हुई है, पानी बहुत कम है यहाँ, यहाँ पर घुटनों तक पानी भर चुका था, और लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। आगे कपालमोचन के पास सरकारी कॉलेज भी है, वहाँ से हर रोज़ लड़कियाँ यहाँ स्कूटी से गुजरती हैं और हर रोज़ गिर रही है यहाँ, हम उनको उठा रहे, हमारा घर यहीं आसपास ही है। अब कपालमोचन मेला है यहीं, कपालमोचन मेले के टाइम सरकार ने पैचअप करवाया था इस रोड से आगे, यहाँ वो भी नहीं कराया, और सड़क नाम की तो यहाँ चीज़ ही नहीं है, देख लो आप, आपके सामने ही है सारा कुछ। हम प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि इसको नहीं इसको बनवा सकते, कम से कम इसके गड्ढे तो भरवा दें। हमने अपने सरपंच साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ना यहाँ नहीं, सड़क आपके बनाने आपके बस की बात नहीं है, आप यहाँ गटका करवा दो, हम उस गटके को फैलाकर एक सड़क करा लेंगे ताकि आने जाने वाले तो निकल सकें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। टाल मटोल की नीति है उनकी भी बिल्कुल ही, कह रहे PWD पर जाओ, उस पर जाओ, वहाँ जाओ, इतना हमारे पास कहाँ टाइम है। हम हाँ, इससे पिछला गाँव है अरतोल, वहाँ पर सरपंच ने खुद टाइलिंग लगवा दी इसी रोड पर ही।
ठीक है जी, चाहे वो PWD का चाहे मार्केट का, मैं नहीं पता, हम तो अपनी समस्या किसके पास जाएंगे, सरपंच साहब के पास। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, अब या तो हम खुद अपने खर्चे से यहाँ गटका वगैरह डलवाएं, जिससे कम से कम राहगीर तो निकल सके यहाँ से। धन्यवाद। हाँ जी ताऊ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क खराब पड़ी आपके गाँव की? बिल्कुल खराब पड़ी जी सड़क, या रास्ता बेकार हो रहा सारा, हरियों ने आने जाने को बहुत लिए तकलीफ होती है, और मंदिर का रास्ता माड़ी का रास्ता भी बेकार हो गया कितई माथा टेकना मैंने सारे गिरा। रेणुबाला जी यहाँ पर विधायक सरकार को क्या कहना चाहेंगे? रेणुबाला भी यहाँ से कोई भी काम नहीं करे नहीं लगाने का, वोटा मांगन आ जा, काम कोई नहीं होया नहीं हमारा, काम कोई नहीं होया नहीं, वोट मांगन आ जा, वोट कहा वोट देते वोट देते वोट पवा अब आग जा सारे, कोई भी नहीं आ नहीं सकता। बलवंत जी यहाँ पर जो विधायक रह चुके हैं, उससे पहले उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की? कोई भी कार्रवाई नहीं करी किसी बलवंत ने भी नहीं आकर, कोई भी कार्रवाई नहीं करी यहाँ से। तो क्या अपील करना चाहेंगे अब सरकार में? रेणुबाला जी बैठे हैं यहाँ पे, अपील नहीं हो गया सड़क बननी चाहिए, ठीक है बस। ये तो मैं प्रशासन और प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर जो है इसका मुआयना किया जाए और इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से पहले जो है इसको समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनगर बिलासपुर चौराही।